हटा जनपद अंतर्गत उप तहसील ग्राम मड़ियादों में पानी की समस्या को देखते हुए संपूर्ण मड़ियादों के ग्रामवासी रोड पर उतरे एवं धरने पर बैठकर आंदोलन किया। अभी मार्च अप्रैल के महीने में ही गर्मी अपना असर दिखा रही है। अभी की स्थिति में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अनेकों कुओं हैंडपंपों में वाटर लेवल नीचे पहुंच गया है। पानी की बहुत समस्या से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जब गाँव के लोगों ने एकत्रित होकर आंदोलन करने और शासन प्रशासन को सूचना देने एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाने हैं तो रोड जाम करना पड़ा। आंदोलन को देखते हुए हटा तहसीलदार एवं हटाया SDM वहां पहुंचे और जनता को समझाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन जनता जनार्दन समझने को तैयार नहीं थी। लगभग 3000 लोग मड़ियादों में नाके पर रोड जाम किया। नजारा देखने लायक था। ग्राम मड़ियादों के राजेश गुप्ता, रितेश दहिया, हटा क्षेत्र के समाज सेवी दीनदयाल पटेल आदि की अहम भूमिका रही और मड़ियादों के समस्त युवाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। अधिकारियों द्वारा 2 दिन में पानी की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया गया है। ग्राम मड़ियादों के नागरिकों का कहना है कि अगर 2 दिन में समस्या हल नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए अधिकारी वर्ग जिम्मेदार होगा। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टो दुबे की रिपोर्ट। और प्यास से फरतरा नाक माने नहावे पानी मिले कुछ नहीं मिल रहा हमारा। कब से है समस्या? कम से कम ज्यादा साल हो गए, खराब है तो है यहाँ 2 साल, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से। पंचायत द्वारा नल लगाएगा यहाँ पर? ये नल लगती है। कब से नहीं आ रहे? साल भर हो गए। पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, 3 महीने हो गए हैं। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। और क्या क्या दिक्कतें आती पानी के लिए? बहुत ज्यादा 2 किलोमीटर दूर जाने पर पानी भर गई। अभी नहीं आदमी भरन देते हैं और फिर भी नहीं भरन रहे हैं। समस्या पानी की समस्या है बहुत। कब से है? 4-5 महीने हो गए। पंचायत द्वारा कोई वो नहीं बताया गया? नहीं सुना नहीं पाई होता गए थे। कोई सुना नहीं होता। नल कनेक्शन चाहे है क्या? हम क्या उपाय किए? सभी को समझाए पहले ये दी गई है कि आप व्यक्तिगत तौर पर पानी का संरक्षण करें और अगर हमें लंबे समय तक पानी को बचाना है तो एक एक व्यक्ति को प्रयास करना होगा और एक एक व्यक्ति को एक एक बूंद बचाने का प्रयास करना होगा। अभी हमारे पास जो पानी उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, हम प्रयास करेंगे कि जून माह तक इसका समुचित और समन्वय के साथ और बराबर के साथ हम इसको 2-3 महीने तक पानी को बचा कर चले और 3 महीने तक इसकी पानी की सप्लाई अपन निरंतर बनाते रहें। सर अभी के लिए क्या इंतजाम किए हैं लोगों? अभी के लिए सचिव साहब को हमने निर्देशित कर दिया है कि जो भी टोटी की व्यवस्था है, जो भी बोर चल रहा है, PHE को निर्देशित कर दिया कि अगर अतिरिक्त बोर या अतिरिक्त ड्राइन पाइप से पानी मिल सकता है तो तत्काल उपलब्ध है। कितने दिन में समस्या का सामना होगा? समस्या तो देखिए गर्मी का मौसम है, अपन एक बोर कराते हैं, दूसरा बोर हो सकता है कि पानी में पानी आना बंद हो जाए। ये सतत काम है, सतत काम, हम सतत प्रयास करेंगे जो गर्मी का जो मौसम है अपन लगातार मरीजों के वासियों को पानी मिले। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।